गर्मा गर्म चाय परोस दी गई होती है और सब मिलकर बात कर रहे होते हैं। तभी ये लड़की बोलती है कि क्या हमारे डैड जो है, मतलब ग्रैंडफादर, वो मरने वाले हैं क्या? और सोचती है कि कैसे करके आगे की कार्रवाई की जाए। तभी बहन बोलती है कि ऐसा कहना तुम बंद करो, ऐसा कहना अशुभ है करके। तभी अंकल की वाइफ वापस बोलती है कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो ट्रुथ बोल रही हूँ, और जो डैड है वो हमसे ये सब छुपाना चाहते थे जबकि वो बीमार है और उन्होंने पास में भी हमसे अपनी बीमारी छुपाई है करके, बट इस बार उन्होंने हम लोगों को इन्फॉर्म किया है तो ये कुछ सही सा मालूम नहीं पड़ रहा है करके। तभी अंकल बोलते हैं कि हाँ, ये जो है इसकी बात में सेंस तो है, और ये जो है इस बार बहुत ही अलग है क्योंकि वाकई में ग्रैंडफादर ने हमको, मतलब डैड ने हमको इस चीज के लिए इन्फॉर्म किया कि वो बीमार है करके। यदि ये कोई छोटी मोटी बात होती तो वो हम लोगों को नहीं बताते करके। तभी इनकी बहन बोलती है कि ये भी हो सकता है कि वो अगेन सिख हो और वो एजिंग हो रहा है उनका, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो, और ये भी हो सकता है कि वो हमारा अटेंशन लेना चाहते हैं और कंपनी का भी अटेंशन लेना चाहते हैं करके, तो हमें उनके बारे में निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तभी अंकल कहते हैं, सीईओ के अंकल, कि तो तुम जो बहुत ही भोली भाली हो सिस्टर, और जो हमारे फादर हैं वो सिर्फ हम अपने फर्स्ट सन के बारे में ही और फर्स्ट सन के ग्रैंड सन के बारे में ही चिंता करते हैं, उन्हें हमसे कुछ लेना देना नहीं है करके। और बोलते कि हमारा जो प्यार है वो उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो उसकी बहन ये सब सुनती है। तभी वाइफ बोलती है कि हमको जो उस डैड के हाथ में शेयर्स हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे उन शेयर्स को ये बूढ़े आदमी के हाथ से अपने हाथ में ला सके और उससे ये शेयर छीन सके। और क्योंकि ये जो जिन याओ है वो तो सिर्फ एक ड्रेसिंग विंडो की तरह है, मतलब दिखावे के लिए है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, और जो हमारे डैड हैं वो बहुत ही जिद्दी हैं और वो हमें ये शेयर्स कभी भी, जो उनके हाथ में है वो कभी भी नहीं देंगे, यदि वो मर भी जाए तो भी हमें ये शेयर्स नहीं मिलेंगे करके। तभी चाय का कप रखते हुए वो बोलते हैं कि हाँ, यदि डैड ऐसे ही मर गए तो हमें सच में पता ही नहीं चलेगा कि किसके हाथ में कौन सा शेयर चला गया, और क्या कहते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि डैड ने जो है कोई विल विल बनाई है कि नहीं। पर अभी मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे डैड जो है वो मरेंगे करके। तभी वो सब बातें करते हुए उसकी वाइफ फिर से बोलती है कि मुझे लगता है कि शेयर का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो फेंग जियाओ को ही मिलेगा और हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, और ये सब स्टूपिड रूल्स हैं करके। और मैं जो लिटिल सिस्टर हूँ, मैं और तुम्हारी जो लिटिल सिस्टर हैं, जो हम लोग मैरिड हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा करके, तो ये बहुत ही अनफेयर होगा। तभी उनकी बहन बोलती है कि सिस्टर ऐसे आप मत बोलो और ऐसे मत सोचो, और डैड जो है वो आपको हमेशा से अच्छे से ट्रीट किया है उन्होंने, तो क्या ये अच्छा नहीं है क्या? तो जो ये वाइफ है वो बोलती है कि ये कैसे अच्छा है, और मुझे तुम्हारी ये सिंपैथी वगैरह, काइंडनेस नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए करके। और ये सोसाइटी जो है वो लॉ के द्वारा रूल होती है करके, ऐसा हमारे अंकल बोलते हैं, और हम लोग जो है वो लॉ के लॉफुल सक्सेसर है, और यदि जब तक उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है तब तक तो ठीक है करके, हमारे पास अभी भी चांस है कि हम हमारे जो हमारा था वो हम वापस ले सकें और जिन याओ को कुछ ना मिले करके। तो वाइफ बोलती है कि हाँ, हमारा जो है हमें वो वापस ही मिलना चाहिए, और जो हमारे अंकल हैं हमारी साइड में हैं, तो
तो हमें जो है उन रूल्स को मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी अंकल बोलते हैं कि तुमको वो सारे जो मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी भी सारी बातें मानने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनपे ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग भी बहुत लालची हैं करके। और तो हम सिर्फ हम अपन तीनों के ही बीच में हम एक दूसरे को काउंट कर सकते हैं, हमें एक तीनों के बीच में विश्वास बना के चलना चाहिए। और हमें जो लोग बाहर के हैं और जो फ्री में खाना खा रहे हैं, फ्री के बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनको एक एक करके एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो ये ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की बोलती है कि हाँ ठीक है ब्रदर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो जिन याओ है, और क्या उसने वाकई में ये सब मतलब वो उसको प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है क्या करके? तो क्या हम उसके लिए कोई एक वाइफ तो ढूंढे जो बहुत ही पावरफुल फैमिली की हो, और वो वैसे भी अब बच्चा नहीं रहा है तो उसको सेटल डाउन हो जाना चाहिए करके। तभी ये अंकल बोलते हैं कि हाँ फैन जियाओ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्वीन का मतलब क्वीन फैमिली का हाथ मांग ले करके, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी अच्छी रहती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है जिनहाओ वो लिंग बाई के क्लोज हो जाए, मतलब वो ही फैमिली के क्लोज होना चाहते हैं जिससे इनका पावर डबल हो जाए करके। तो इसकी बहन बोलती है कि ही लिंग बाई। तो दूसरी बहन बोलती है कि ब्रदर कि क्या आप चाहते हैं कि जिनहाओ वो हमारे ही फैमिली के क्लोज आए करके? और तभी उनका भाई बोलता है कि लिंग बाई जो है वो अकेली बच्ची है और उनके यहाँ पर कोई और बच्चे भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोई उससे मैरिज करेगा उसको उन सबका उस लड़की का बिजनेस भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी करके, और हम उसकी पूरी फैमिली का चार्ज अपने हाथ में ले लेंगे और हम लोग उसकी फैमिली को मतलब चलाएंगे करके। तो बहन बोलती है कि भाई ये जो आइडिया है ये तुम्हारा अच्छा नहीं है, और मैं जानती हूँ कि लिंग वाई जो है वो ही फैमिली की एक अकेली लड़की है करके, बट उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और तो ये जरूरी नहीं है कि वो जिन्हाओ के साथ ही शादी करे। तभी दूसरी बहन बोलती है कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो, और ये जो उसकी शादी है वो उसके ऊपर वो डिसाइड नहीं कर सकती है, हमारी जो फैमिली है और हमारे जो फैमिली के बच्चे होते हैं उनकी जो शादियां होती हैं वो लव मैरिज नहीं होती हैं, वो लोग बिजनेस के लिए मैरिज करते हैं। और तभी इनकी बड़ी बहन बोलती है कि सिस्टर तुम बहुत लगी हो कि तुमने उस इंसान से शादी की जिससे तुम प्यार प्यार करती थी, देखो मुझे देखो, मैंने तो एक बहुत ही लूजर से शादी करी है करके। और क्या वो मैं थी जिसने ये डिसीजन लिया था करके? लेकिन हमारे डैड ने ये डिसीजन लिया था। और फिर वो बोलते कि यदि हमारे ब्रदर इस अरेंजमेंट में नहीं आते हैं तो कैसा होगा करके, और ही फैमिली के साथ मैरिज करना एक अच्छी चीज होगी करके, इससे हमारे घर को ही फायदा होगा करके। तो इनका बड़ा भाई बोलता है हाँ वाकई में अभी ही फैमिली के साथ मैरिज होगा तो इससे हमें ही बेनिफिट होगा करके। तभी ये इनकी दूसरी बहन सोचती है कि क्या लिंग भाई वाकई में ही फैमिली की एक ही डॉक्टर है क्या, और यदि मैं सही हूं तो उनकी एक सिस्टर भी थी। तभी हमारा और अंकल बोलते कि लिटिल सिस्टर तुमको क्या बहुत ही ज्यादा दया आ रही है क्या जिंदियाओं पे, और लेकिन हमारे जो डैड है वो बहुत ही अनफेयर हो रहे हैं, हम लोग सब एक ही माँ से पैदा हुए हैं लेकिन वो हमेशा जो है वो अपने जिंदियाओं के बारे में सोचते हैं, और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे रियल सिबलिंग्स कौन से हैं करके। अब दूसरी तरफ यी को दिखाते हैं, यी शूटिंग में होता है और वहां पर लिंगवाई भी होती है और वो यी का रूम पार्टनर भी होता है। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा जॉब किया है,
और हमें नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सब लोग चैन की सांस लेते हैं, पर लिनवाई आती है और बोलती है कि यून तुम थोड़ा सा रेस्ट लो, और हो सके तो तुम थोड़ा सूप भी पियो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें जो है तुम्हारा थ्रोट जो है बहुत शोर सा फील हो रहा है। तो ये बोलता है कि तुम जो बहुत ही काइंड हो और तुम हमेशा मेरा ध्यान रखती हो, मुझे हमेशा सप्लीमेंट्स देती हो। तो लिंग वाई बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और तुम अपने को दूसरे सीन के लिए प्रिपेयर करो। और लिंग वाई अपने मन में सोचती है कि ये जो सूप है वो एक्चुअली मैं तो खुद लाई नहीं हूँ, ये तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ने दिया है। वो लोग कैसे पीछे पड़े रहते कि ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, पर एक बात लिंग वाई जो है सिर्फ अपने मन में बोलती है, और वो सोचती है कि ये लोग सब मेरे हाथ में ये खाने पीने की चीजें थमाते रहते हैं। और जैसे ही वो सुनते हैं कि वो तुम्हारी तबीयत ठीक वगैरह नहीं है, तो वैसे ही बहुत सारे 100 साल पुरानी जिनसिंग भी निकाल लेते हैं करके, तो वो यी को बाय बाय सा करती है। तभी ये रूम पार्टनर आता है जो फेमस स्टार है, और वो बोलता है कि लिंग भाई तुम हमेशा ये उनके साथ होती हो, उसे हमेशा कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स देती हो, तो क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है क्या? लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि चल रहा है, तो मेरा मेरे लिए तुम कुछ नहीं लाई क्या करके। और वो पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में ही उनके ऊपर क्रश है क्या? तो लिंग भाई बोलती है तुम्हें ये बात किसने बोली? तो ये लड़का बताता है कि सब लोग यही बात को सीक्रेटली डिस्कस कर रहे हैं कि तुम्हारा और ये उनका कुछ है, और क्योंकि तुम उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती हो और तुम दूसरे लोगों से बहुत डिटैच भी रहती हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये अनोइंग लवी डबी वाला एक्ट नहीं है तुम लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, तो तुम जो हो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तभी आके कोई बोलता है कि पेन जियाओ ने क्या तुम्हें कांटेक्ट किया है क्या? और तभी ये देखता है कि उसके पास 3 मैसेजेस आए हैं जो 3 बजे के करीब आए थे, और वो पानी का बॉटल जिन को देता है, और उसमें ना उसकी माँ का वीडियो कॉल आ रहा होता है। वो अपनी माँ का कॉल देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रहती है, और वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी उसकी माँ बोलती है कि फाइनली थैंक गॉड हम लोगों को सिग्नल मिल गया है, हम मेरे बच्चे मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। और तभी ये भी अपनी माँ को देखता है और बोलता है मॉम और आप लोग अभी कहाँ हो? और मैं आप लोगों को फोन नहीं कर पा रहा था, आप लोगों के टच में नहीं था। और ऐसा करता है तो उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा बूहू करके रोने लगती है और बोलती है कि हम लोग तो इस वक्त अफ्रीका में हैं। तो ये बोलता है कि आप लोगों ने मुझे डरा दिया, मैं तो सोच रहा था कि मैं पुलिस को ही बुला लेता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। और लेकिन फिर भी डैड जो है वो मुझे रेगुलरली ईमेल भेज रहे थे जिससे कि मैं थोड़ा शांत हो गया था। तो उनकी माँ बोलती है कि यहाँ का जो सिग्नल है वो बहुत ही बेकार है और हम लोग सिर्फ मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, और लेकिन आज जो हम सिग्नल स्टेशन के पास आके रुके इसलिए हमारा हम तुमको फोन कर सकते हैं। और बोलती है कि मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ बेटा करके। तभी उसकी माँ पूछती है कि रूरू कहाँ पर है, और बोलती है कि मैं रूरू को देखना चाहती हूँ। तो ये बोलता है कि माँ मैं अभी भी काम पे आया हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ और रूरू मेरे साथ नहीं है। तो उसकी माँ पूछती है कि रूरू के फिर ध्यान कौन रख रहा है और तुमने रूरू को किसके साथ छोड़ दिया? तो ये बताता है कि माँ आप वरी मत करो, रूरू जो है वो सेफ है और मैं आपको बाद में जो है वीडियो कॉल करूंगा, तो आप मेरे पार्ट्स फिनिश कर लो, उसके बाद मैं वीडियो कॉल करूंगा तो आप रूरू को देख सकती हो। लेकिन माँ तो बहुत गुस्से में आ जाती है, बोलती है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यदि रूरू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधार दूंगी। और ऐसा कह के वो फोन में एक दूसरे को देखते हैं। और तभी पूछता है कि आपको पता है क्या कि मेरे क्रू मेंबर कौन कौन है? और तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम फिर से कोई एक छोटी मोटी सीरियल कर रहे होगी,
कौन से तुमको बहुत सा इम्पोर्टेंट क्रू मेंबर मिलने वाला है करके, तो ये बोलता है कि मुझे पता था कि आप ना ही गेस कर सकते हो और ना ही बिलीव कर सकते हो, और ऐसा बोल के वो हंसने लगता है और बताता है कि मेरी जो पार्टनर है वो हीलिंग वाई है करके। जैसे ही उसकी माँ सुनती है कि उसकी फेवरेट एक्ट्रेस लिंग वाई है, वो थोड़ा सा भौचक्की सी रहती है और उसके हाथ से फोन जो है वो गिर जाता है। अब दिखाते हैं कि जो उसकी माँ के हाथ में फोन होता है वो थर्ड से नीचे गिर जाता है, और तभी ही सोचता है कि क्या हो रहा है करके। वो अपने फोन में देखता है तो उसका वीडियो कॉल जो है वो ब्लैंक होने लगता है, और वो पूछता है कि मॉम क्या हुआ करके। तभी फोन के स्क्रीन पर उसके डैड को दिखाया जाता है और बोलते हैं उसका डैड कि तुम्हारी मॉम जो है वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, तो इसीलिए वो फोन को ढंग से नहीं पकड़ पाई करके। और तभी ये लगता कि हाँ मुझे पता है कि मॉम जो है वो ये बात सुनकर सरप्राइज हुई होगी, क्योंकि उनको लिंग वाइज जो है बहुत ही ज्यादा पसंद है आखिरकार। और जो मैं अब जो हूँ कॉपरेट कर रहा हूँ इंटरनेशनल एक्ट्रेस ए लिस्ट एक्ट्रेस के साथ जो कि लिंग वाइज है करके, और इसीलिए शायद मॉम जो है बहुत ही थ्रिल्ड होगी करके। और तभी उसकी माँ बोलती है कि यस मैं जो हूँ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी करके। वो फिर भी हंस के अपने बेटे को जवाब देती है, और तभी दिखाते हैं कि दरवाजे पे नॉक होता है और ये बोलता है कि अंदर आ जाओ। और तभी लिंगवाई आती है एक डब्बा लेके और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है। और तभी ये बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और जो तुम मुझे इतनी सारी चीजें देती हो करके। और तभी लिंग वाई हंसते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें ये सारे स्नैक्स दूंगी और नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा स्नैक्स लेके आऊंगी, और ये जो है एक्चुअली ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें पर्सन खुद मतलब पर्सन के रूप में आके तुम्हें ये दूं करके। और जो मिस्टर एंड मिसेस ही है वो बहुत ही ज्यादा काइंड है करके ये बोलता है। और तभी जिंग जो होती है वो डब्बा उसके हाथ से ले लेती है, और ये बोलता है कि जब मेरे पास टाइम होगा मैं उनको विजिट करने आऊंगा, और होपफुली वो मैं उनके लिए कोई ट्रबल ना पैदा करूं वहां पर आके। और तभी लिंगवाई बोलती है कि उनको बहुत ही अच्छा महसूस होगा यदि तुम उनसे मिलने आओगे। तो तभी दिखाते हैं कि फोन अभी भी चालू होता है, और तभी लिंगवाई पूछती है कि तुम फोन पे किससे बात कर रहे हो करके। तभी ये तो याद आता है कि फोन चालू है, और तभी उसके सिर के ऊपर बल्ब जलता है और वो बोलता है कि माँ लिंगवाई जो है वो इधर पे है, तो क्या तुम उससे बात करना चाहोगी करके। तभी लिंगवाई सोचती है कि तुम अपनी माँ के साथ वीडियो चैट पे बात कर रहे थे क्या, तो ये बताता है हाँ मैं अपनी माँ का से वीडियो चैट पे बात कर रहा था और वो तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन है करके। तो वो लिंगवाई की तरफ फोन बढ़ाता है और बोलता है क्या तुम मेरी माँ से बात करोगी क्या। तो लिंगवाई बेचारी थोड़ी शॉक हो जाती है, बोलती है कि सच में मैं उनसे बात कर सकती हूँ क्या, सच में तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती है क्या करके। और लिंगवाई सोच ही रही होती है तभी वी की माँ बोलती है कि बेटा यहाँ का सिग्नल जो है बहुत ही खराब है और हमारा जो नेटवर्क है वो फिर से खो गया है करके, तो हम तुमको नेक्स्ट टाइम पे कॉल करेंगे, और ऐसा करके हाहा करके फोन रख देती है क्योंकि वो लिंगवाई को अभी फेस नहीं करना चाहती है करके। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं लिंगवाई और यी, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। और तभी यी बताता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं और वहां पर सिग्नल जो है स्टेबल नहीं है और वो किसी तरह मेरे को आज फोन कर पाए हैं। तभी लिंगवाई बोलती है कि क्या तुम्हारी मदर मुझे बहुत पसंद करती है क्या, वो मेरा केयर करती है। तो यही बताता है हाँ कि मेरी माँ जो है वो तुमको बहुत पसंद करती है, तुम्हारे हर मूवी की जो कॉपीज होती हैं वो उसके पास है और वो कई बार उनको बार बार लगा लगा के प्ले भी करती है। इतना ही नहीं तुम्हारे मर्चेंडाइज जो थे उसकी भी उनके पास चीजें हैं, और वो तुम्हारे फैंस मीटिंग में भी जाती हैं, और तारा जब ब्रैड का रिटायरमेंट नहीं हुआ था तो वो हमेशा तुम्हारे बिजनेस परफॉर्मेंस को भी देखने जाती थी, और वो बहुत सारा अपना दिन का समय तुम्हारे शोज वगैरह में बिताती थी। और जब वो रिटायर हो गए यूनिवर्सिटी से तब वो ज्यादातर सिर्फ इम्पोर्टेंट शोज और इवेंट्स में ही जाती थी जहाँ वो तुम्हारा बैनर वगैरह लेके जाती थी करके। तो लिंग
लिंग भाई अपने मन में सोचती है कि वाकई में उनकी जो आंट है वो उनको पसंद करती है करके, और सोचती है कि उसकी जो आंट है वो उसके लिए सीक्रेटली कितना कुछ करती है, ये सोच के लिंग भाई खुश होती है। और उसको लगता है कि जैसे हम लोग उनकी केयर करते हैं वैसे ही वो भी हमारी केयर करती है। तभी मिस्टर ही और मिसेज ही के बारे में बताते हैं कि उसकी माँ सोच रही होती है और लिंग भाई के बारे में। तो उसकी माँ अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या हमारे बेटे ने वाकई में लिंग भाई का नाम लिया करके। तो फिर वो ये भी बोलती है क्या मैंने कुछ गलत सुना। तो ही का फादर जो है अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि तुमने गलत नहीं सुना है करके। तो ये की माँ बोलती है कि ये तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो ऑलरेडी ही फैमिली के लोगों से मिल चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए करके। मुझे नहीं पता कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूँ, ये सोच के ये की माँ रोने लगती है। और तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तो ये की माँ बोलती है क्या वो मुझे ब्लेम करेंगे क्या, आखिरकार मेरी ही गलती थी जो मैं उनको छोड़ के भाग गई थी करके। और तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरा फॉल्ट है करके। और ये मैं था जिसने तुम्हें किडनैप कर लिया था क्योंकि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती थी करके। ऐसे करके वो अपनी वाइफ को बोलता है, उसकी वाइफ को हंसी आ जाती है और वो जल्दी से रोना धोना बंद कर देती है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही पहला मूव किया था प्रोफेसर ही, तुम तो बहुत ज्यादा डिटैच रहते थे और रिमोट ही रहते थे और जब हम लोग यंग थे करके। और फिर वो बहुत प्यार भरी नजरों से अपने हस्बैंड को देखती है, हस्बैंड भी बहुत प्यार भरी नजरों से अपनी वाइफ को देखता है। और वो एक उसका हस्बैंड बोलता है कि जब हम लोग यंग थे तब हमें अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता था ठीक से, और मेरी आंखें तुम पे तब से थी जब से तुमने क्लासरूम में एंटर किया था करके। तो जो उसकी वाइफ होती बड़ी खुश हो जाती है ये सुन के, बोलती है सच्ची में ऐसा था क्या, तो तुमने तब से मेरे लिए अफेक्शन तुम्हारे मन में आया था। और फिर उन दोनों के बीच में लड्डू फूटने लगते हैं। अब क्या होता है दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कोई बोल रहा होता है कि जब अगली बार तुम आओगे तो तुम बच्चे को भी अपने साथ लेके आना, और ये हमारा सीईओ ऑरेंज छील रहा होता है और वो ग्रैंडफादर को बोलता है कि ठीक है मैं अगली बार जब आऊंगा तो मैं रूरू को साथ में लेके आऊंगा, लेकिन अभी सही टाइम नहीं हुआ है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं तो सही टाइम कब होगा करके। तो सीईओ बोलता है कि जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे हॉस्पिटल से तब तब मैं बेबी को आपसे मिलवाने के लिए लेके आऊंगा। तो जो ग्रैंड फादर है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि मेरे पास तो ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है। अब सीईओ फलों को ट्रे में रख देता है और बोलता है कि मेरे पास मीटिंग है और आफ्टरनून में तो मुझे जाना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ ओके, और मैं आपको बाद में देखने आऊंगा। ग्रैंड फादर बोलते हैं ओके, दरवाजा बंद हो जाता है। ग्रैंड फादर बिस्तर पे टेक लगाते हैं और सोचते हैं और बोलते हैं कि लियो जो उनका मैनेजर है, तो लियो बोलता है यस सर। तो फादर ग्रैंड फादर बोलते हैं कि तुम जाओ और वो बच्चे को मेरे पास लेके आओ। अब यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जिन याओ यानी हमारे सीईओ की फैमिली का ट्री हमें समझा रहे हैं। तो सीईओ बता रहा है कि मैं आज अपने फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये जो बूढ़ा आदमी है ये इसके ग्रेट ग्रैंड पा है और जो इस वक्त माउंटेन में रहते हैं करके, और इन्होंने ही यी के लिए वो तावीज बनाया था और यी इसी के कारण स्वस्थ रहता है, जिसमें था कि उसे लेट नहीं जागना है, एक्टिंग ज्यादा देर नहीं करना है, और यंग पीपल हैं उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, उन्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो थी वो ग्रेट ग्रैंडफादर ने इनको बोली थी। अब वो बताता है सीओ कि ये वाले जो है वो उसके ग्रैंडपा है और ये जो है वे फैमिली के फर्स्ट पर्सन है जिनको रूरू के बारे में पता है करके, और इन्हें
कैंसर की बीमारी है। मतलब इस वक्त जो हॉस्पिटल में पेशेंट है दादाजी, वो इनके ग्रैंडपा है। और ये जो आदमी है जिसके मुंह पे क्वेश्चन मार्क है, ये सीईओ के फादर है जिसे उसने कभी नहीं देखा है। और ये जो है वो सीईओ के अंकल हैं, और ये उसके पापा के यंगर ब्रदर हैं। और ये जो है इन्होंने ही, सीईओ के अंकल ने ही लीन भाई की पार्टी में अपना प्रेजेंस दिया था। और ये जो है इसका ड्राइवर है जो फैन फैमिली के लिए, मतलब दोनों लोग लड़ रहे हैं पोजीशन के लिए। अब आता है ये जो भूरे बाल वाली, ब्लॉन्ड बाल वाली है, वो उनकी फर्स्ट आंट है जो कि बहुत ही मीन और सेल्फिश है। और ये जो बूढ़ी दिख रही है थोड़ा सा ब्राउन बाल वाली, ये उनकी सेकेंड आंट है। और ये बहुत ही थोड़ा सा टेंडर हार्ट की है और इंटेलिजेंट औरत भी है। और ये जो आदमी है, ये ब्राउन हेयर वाला जिसका मुंह खुला हुआ है और एक कान में बाली भी है, वो इसका कजन है। और ये सेकंड अंकल का सन है। और ये लाल बालों वाला उसका कजन है जो स्कूल में अभी स्टूडेंट है। और ये जो पीले वाली है बाल वाली, ये भी इसकी यंगर कजन है और फर्स्ट आंटी की ये बेटी है। और ये वो थोड़ा स्वभाव में पोलाइट नेचर की है। और ये पिक्चर जो है हमारी घर के लोगों की है, ग्रेट ग्रैंडपा और ग्रैंडपा और उसके फादर, अंकल, फर्स्ट आंट, सेकेंड आंट, और जियाओ यानी खुद सीईओ, सीईओ का कजन, और फिर एक और एक कजन, और फिर एक और एक कजन, और आखिरी में गुरु जो सीईओ का बेटा है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर शूटिंग सीन दिखा रहे होते हैं, जहाँ पर लिंग वाई को दिखाते हैं और आवाज आ रही होती है और बोलते हैं कि रिपोर्ट करो, शिप को, स्टारशिप को डैमेज हो गया है। और बताते हैं कि सीरियस डैमेज हुआ है और उनके फ्रंट राइट विंग में, और जो बूस्टर है उसको डिटेक्ट किया गया है। और ये इस वक्त देख रहा होता है ये सब। और बताते हैं कि जो फ्लाइट जंक्शन है और स्पेस जंप है, उसने काम करना बंद कर दिया है, और जो फ्यूल है वो भी 6% बचा है। और सब लोग स्पेसशिप के अंदर है और बोलते हैं कि हम गैलेक्सी में ट्रैप हो गए हैं। और तभी लिंग भाई बोलती है कि जैक्सन तुम काम डाउन हो जाओ, और हमारे पास अभी भी कोई और रास्ता होगा। हाँ, हम बाजू में एक प्लानेट है जिसको हमने डिटेक्ट किया है, हम वहां पर उतर सकते हैं और हम वहां पर अपना फ्यूल भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्या मटेरियल है हम वो भी यूज कर सकते हैं। फिल्म का जो शो है उसकी शूटिंग हो रही है करके यहाँ पर वो शूटिंग के डायलॉग्स बोल रहे हैं। तो चूंकि हमारे हीरो का नाम इसकी शूटिंग स्क्रिप्ट में जैक्सन है, तो जैक्सन देखता है। और तभी जैक्सन बोलता है कि ठीक है, गेट रेडी, हम लैंडिंग कर रहे हैं करके। और तभी ही बोलता है कि ठीक है, कंफर्म कर दिया है। और फिर सीन कट हो जाता है और डायरेक्टर बोलते हैं कि ये सीन बहुत अच्छा हुआ है। और डायरेक्टर बोलते हैं कि हम लोगों ने ये बहुत अच्छा सीन दिया है करके। और सब लोगों को ये सुन के बहुत ही रिलीफ मिलता है कि दोबारा ये सीन नहीं करेगा और ये सीन बहुत अच्छा लगता है। और तभी लिंग भाई बताते हैं कि बाद में एक छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है करके। और तभी वो ही को बोलते हैं ये लोग कि तुम हमारे साथ आओ। तो ये बोलता है कि ये इंटरव्यू तुम्हारे लिए और लिंग भाई के लिए है, मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लगेगा करके। और वैसे भी मैं एक बहुत छोटा मोटा स्टार हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। और तभी उसका रूम पार्टनर बोलता है कि तुम बहुत ही भोले हो और तुम्हें इस तरह की चीजें अक्सर फेस करनी पड़ेगी, तो अभी से तुम अपने को फेस करना चालू करो और पब्लिक को एक्सपोज करो अपने आप को। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पॉपुलरिटी का भी फायदा उठाओ करके। और तभी वो लोग यी को अपने साथ में खींच लेते हैं और यी को बोलते हैं कि तुम चाहो तो कुछ मत कहना और सिर्फ स्माइल करते रहना इंटरव्यू में, और तुम एक बहुत अच्छे से मिस्टीरियस गूसबेरी की तरह बिहेव कर सकते हो और तुम्हें कोई इग्नोर नहीं करेगा फिर। और तभी लिंगवाई हंसती है और बोलती है कि
हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि फैंस का मीटिंग है वेनसडे को, और वहां पर हमें अपने शूटिंग का शेड्यूल बताना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर हमारा वापस से वहां पर हम जाएंगे तो हमारा आउटसाइड के वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कट जाएगा करके, तो हमें हमारे फैंस के साथ अभी इंटरेक्ट करना चाहिए और हमें अपनी शूटिंग को डिले नहीं करना चाहिए। और तभी हमारा हीरो बोलता है कि मेरी मॉम जो है, और मेरी मॉम और मेरी मॉम की जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके जो फैंस हैं बहुत ही फियर्स टाइप के हैं, और मुझे ना जाके अपना फेशियल मास्क यूज करना पड़ेगा और मुझे काम डाउन होना पड़ेगा फैंस को देखने से पहले। लिंग वाई हंसती है और बोलती है कि तुम्हें अपने एजेंट से इसके बारे में बात करना चाहिए, और तुम्हारे कुछ फैंस यहाँ पर विजिट करेंगे। तो ये भी बोलता है ठीक है फैंस, और मेरा जो वाइब है वो तो वैसे भी बहुत ही कम एक्टिव है और उसमें बहुत ही कम लोग हैं, और इससे वो लोग मेरे फेस को ही पसंद करते हैं। तो ये दिखाते हैं ये का वाइब जिसमें लिखा होता है ये, जो कि टीटी नहीं है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि कमेंटिंग के अलावा उसमें एक उसकी एक हाथ से पिक्चर होती है, और वहां पर कुछ रोबोट्स वगैरह भी होते हैं और उनका वाइब कैसा दिखता है ये दिखाते हैं पोस्ट कमेंट्स लाइक। और तभी इलिंग वाई बोलती है कि चलो हम चलते हैं, हम लोगों को चेंज करना है और डायरेक्टर ली ने हमें ज्यादा टाइम नहीं दिया है इंटरव्यू के लिए। और तभी बोलता है उन सबके पास बहुत सारे फैंस हैं और मेरे वहां पर जाना थोड़ा एम्बेरसिंग सा होगा, क्या मैं सीईओ से पूछूं कि वो वेनजडे को फ्री है क्या, और यदि मैं उसे एडवांस में पूछूंगा तो कैसा रहेगा, और हो सकता है कि शायद सीईओ के पास टाइम ना हो। तो वो सोच रहा होता है कि वो सीईओ से पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन तभी उसको लगता है कि वो रूरू को भी मिस कर रहा है। और तभी ये अपने कपड़े उतारता है और उसको जिंग जो है वो कपड़े पहनाने में मदद करती है, और ये पूछता है कि अभी सीईओ बिजी चल रहा है क्या करके। और तो जिंग बताती है कि जिस तरीके से उसका काम चलता है वैसे ही एज यूजुअल बिजी। और तभी ये बोलता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो कि पूछने में कि वो वेनेसडे को फ्री है क्या। तो जिंग बोलती है ओके श्योर मैं पूछ लूंगी करके। अब रूरू के हाथ में बोर्ड होता है और रूरू बोल रहा होता है ही इज द बेस्ट, और जो मैनेजर होता है वो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है, और फिर भी रूरू जो है वो बहुत उससे बता रहा होता है कि जो है वो बेस्ट है। और तो मैनेजर बोलता है ठीक है ये बेस्ट है, और रूरू बहुत हैप्पी हो जाता है। और सीईओ जो है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है और बोलता है कि ये सब ठीक लग रहा है मुझे, और बोलता है कि मेरा वेनेसडे के दिन का शेड्यूल फ्री कर दो, मैं बिजनेस का जो है वो इन 2 दिनों में पूरा देख लूंगा। और मैनेजर बोलता है ओके सर, और तब सीईओ स्माइल करता है और मैनेजर को समझ में नहीं आता कि ये क्यों स्माइल कर रहे हैं, और मैनेजर सोचता है कि क्या वाकई में सीईओ ने अभी फिर से स्माइल किया, और क्या ये फाइल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग है, और क्या इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस फाइल के अंदर क्या वो बहुत ही अच्छे हैं अट्रैक्टिव हैं जिसलिए सीईओ स्माइल कर रहा है क्या। और तभी मैनेजर सोचता है कि क्या हम लोग सेम पेज पे हैं क्या, और रूरू दूसरी तरफ अपना ड्राइंग करने में बिजी है, उसकी डफी उसके पास में लेटी है। और तभी दिखाते हैं कि जो कोई बोल रहा होता है कि वो इंटर्नशिप के रोल में इंटरेस्टेड है और शूटिंग में भी है और को वर्कर्स में भी इंटरेस्टेड है, और डिफिकल्टीज वगैरह क्या चल रही हैं, क्या वहां पर उनके शूटिंग में कुछ फनी चीज हुई, तो ऐसे रिपोर्टर्स सब जो है वो माइक ले जाके ही के पास और उनके पूरे टीम के पास जाके क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। और तभी लिंग वाई को दिखाते हैं और लिंग वाई बताती है कि ये हमारा काम अच्छा था, और तभी हमारा हीरो भी बोलता है कि हम अपने फनी स्टेप के बारे में बात करेंगे जो शूटिंग के दौरान हुई थी करके। और तभी ये सोचता है कि लिंग वाई और जो एक्सिया है वो बहुत ही वाकई में सुपर स्टार्स हैं, और मैं कब इनके जैसा बनूंगा करके। और
और मुझे अपने आप को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना होगा, मुझे उनके लिए अच्छा काम करना होगा, और तभी इसी वजह से वो मुझे रिमेम्बर करेंगे और वो अपने आप को मोटिवेट करता है ये सोच के कि वो वाकई में ये कर सकता है, और एक दिन सब लोग उसे रिमेम्बर करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे। अब क्या होता है, वो अपने मन में बोलता है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और उन पे सारे कैमरेज जो है लोगों के, रिपोर्टर्स के, सब शूट करने लगते हैं, और कोई पूछता है कि नहीं कौन है करके, और वो लोग रिपोर्टर से एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या तुम इन्हें जानते हो, और तभी दूसरा रिपोर्टर बोलता है नहीं मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है, तभी ये बोलता है हेलो एवरीवन, मैं स्पेस ट्रैवल में मतलब एक करेक्टर हूँ, और ऐसे करके वो बताता है, और वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि लिंगवाई जो है वो ब्यूटीफुल है, उसका करेक्टर अच्छा है, और ये बताता है कि मैं ये हूँ करके।